अपनी वालदा के साथ आफिया की आखिरी गुफ्तगू सुना के जा रही हूँ, पाँच मिनट भी नहीं, दो मिनट की। आफिया ने अपना एक ख्वाब सुनाया अम्मी से उसने कहा ये आखिरी फोन कॉल है जो हमारे आफिया से हुई है, उसके बाद आफिया से हमारी बात नहीं हुई है। उसने ये कहा कि अम्मी जान, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा रात को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरा ये इम्तहान कब तक चलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे इम्तहान नहीं है, तुम्हारा तो कब का ख़त्म हो गया। तो आफिया कह रही है मैंने एकदम से पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर मैं यहाँ क्यों बंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें नम हो गई, उनके आंसू थे आँखों में और आहिस्ता से बोले, और आफिया रोने लगी थी उस वक्त और बोली मैंने क्यों ये सवाल कर लिया, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए जिससे उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तहान है, ये उम्मत का इम्तहान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم جناب بہت ہی محترم शहीद से आलमी भाई और गाजी मुमताज़ कादरी शहीद और हमारे गाजी उनके भाई मोहतरम और जनाब नौजवान इस्लाम और पाकिस्तान कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत मशहूर हूँ आप लोगों की, और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं और ठंड भी ज़्यादा होती जा रही है, और जज्बात भी इतने ज़्यादा हैं, और मोहतरम शहीद सियालवी भाई की तकरीर, पुरजोश तकरीर से पहले तमाम तकरीर आप लोगों ने सुनी, मज़ीद कुछ कहने को बाकी तो नहीं रहता। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि सूरह तौबा की 24वीं आयत है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, मैंने निकाला था लेकिन वो पता नहीं इसी वक्त फ़ोन जो है वो ब्लैकआउट हो गया कि मैं वही पढ़ के सुना दूँगी, लेकिन उसका मफहूम कुछ इसी तरह से है कि अपने वालदैन, अपनी औलाद, अपने भाई, अपनी बहन, अपने ख़ानदान, अपने माल, अपने घर जिनमें तुम रहते हो और तुम्हें प्यारे हैं, और वो तिजारत जो तुम करते हो जिसके खो जाने का खौफ होता है, अगर उस सबसे ज़्यादा प्यारा अल्लाह और रसूल नहीं है तो फिर तैयार हो जाओ उस अजीम अजाब के, और हिदायत से तुम महरूम हो जाओगे। जब तक हमें इन चीज़ों से प्यारे अपने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो हमारा ईमान भी कामिल नहीं हो सकता। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, न मर मिटूं जब खा जाए यसरब की इज्जत पर। हाँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि खादिम रिजवी साहब ये चाहते हैं कि फ्रांस के सफीर को भेज दिया जाए। उनके लिए ये कहना बहुत आसान है,
मगर उनको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान इक्तसादी मुश्किलों में है. एंड द इकोनॉमिक फॉल बैक दैट यू विल हैव बाय डूइंग दिस विल बी वेरी बैड. ये एक तबसरा था अखबार में, इंग्लिश का अखबार था. उस वक्त मेरी ये आयत एकदम से गूंजी थी और मेरा दिल लरज उठा था कि या अल्लाह हम खामोश क्यों बैठे हैं. अल्लाह ताला तो कहते हैं वो तिजारत जो तुम्हें प्यारी है, जिसके खो जाने का तुम्हें खौफ है, अगर उससे ज्यादा अजीज तुम्हें मेरा रसूल, तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल नहीं, तो अजाब के लिए तैयार हो जाए. ईमान तो है ही नहीं, हिदायत महरूम हिदायत से. ये सूरह तौबा की 24वीं आयत है, ये उसका मफहूम है, ये अल्लाह का फरमान है. मैं आफिया मेरी बहन है, वो हाफिज़ कुरान, मुफस्सिर कुरान, उसको कुरान ऐसे हिफ्ज़ था कि एक चीज़ का, एक चीज़ मैं कहूँगी इस तरह का मफहूम था, कहीं वो पूरे से आपको सबाक के साथ बता देगी किस किस जगह कुरान में ये मफहूम आया है और किस अंदाज में आया है और क्यों आया है. अफसोस की बात कि मैं तो दुनियावी तालीम में डॉक्टर्स, वो भी उसने भी दुनियावी तालीम हासिल की लेकिन उसने कभी कुरान को नहीं छोड़ा. मैंने तो अब समझने की कोशिश की है, मैं तो उसकी बहन की वजह से आज आप लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं कि मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन कहाँ वो और कहाँ मैं सबसे कहती हूँ मुझे देखकर आफिया को जज ना करें. वो एक बहुत अजीम इंसान थी, उसको तो 86 साल की सजा मिली और अदालत में शेम शेम के नारे हो रहे थे, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे नाम पे देर शुड बी नो वायलेंस इन माई नेम. लेकिन खादिम रिजवी साहब ने तो अपनी जान दे दी नामों से रिसालत पर, लेकिन हम खामोश, हमारा ईमान कहाँ है, हम क्यों खामोश हैं. हम सिफारत की बात करते हैं, सिफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, सफीर को वापस भेजना. मैंने जितना आफिया के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसमें कहीं आपको पार्लियामेंट की इजाज़त नहीं लेनी इस चीज़ के लिए. बहरहाल ये सब बातें भी अलग हैं, मैं किसी को जज करने के लिए यहाँ नहीं आई. मगर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ और वो ये कि इंडिया की एक खातून थी, एक बहुत ही छोटे लेवल की एम्बेसी में काम करती थी, देवरानी खोबे राज, इस तरह का नाम था उसका, गोबे राज या खोबे राज, देवरानी. तो ये देवरानी साहिबा ने अपनी नौकरानी के ऊपर जुल्म किए, नौकरानी ने जाके वहाँ शिकायत कर दी और उसको उस जुल्म व सितम के उसमें गिरफ्तार कर लिया गया. उसको गिरफ्तार किया और जैसा कि वहाँ वो गिरफ्तार करके हर जो गोरा नहीं है, वो चाहे ब्लैक हो, चाहे हिस्पानवी हो, चाहे ब्राउन हो, तो उसको वो स्ट्रिप सर्चिंग करते हैं, उस औरत को बरगना सर्च करते हैं. उसके साथ भी ऐसा ही किया. आप सोचें कि रोज़ाना आपकी बहन आफिया के साथ भी ये हो रहा है. इंडिया की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई, तो हमारी एक औरत, एक नौकरानी जी सही, एक नौकरानी की भी इज्जत हमारे लिए बड़ी है. मनमोहन सिंह थे उस वक्त और उसने, उन्होंने फौरन उसी वक्त ये खबर मिलते ही एहतजाज किया, सफीर को बुलाया, उससे उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कार्ड होता है सफारतकारों के पास कि जिससे कि वो कोई जुर्म करें या कुछ करें तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते. वो कार्ड उससे लिया फौरन और क्या किया, सिक्योरिटी, अब अमेरिकन एम्बेसी के बाहर हमारी आपने देखी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सिक्योरिटी का आलम, राइट, पूरी सिक्योरिटी हटा दी, पूरी सिक्योरिटी हटा दी. 3 दिन के अंदर देवरानी कहाँ थी, इंडिया में, और सफीर कहाँ थे, अमेरिका में. 1 दिन भी सिक्योरिटी हटा दें तो वो इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में सिक्योरिटी हटा दें फ्रांस की एम्बेसी से, क्या होगा, आपका मुतालबा पूरा हो जाएगा. वो अपनी उस औरत को जिसने इकबाल जुर्म किया, जिसने के हर चीज का वो किया कि हाँ मैं मुजरिम हूं, जिसने जुल्म किया, जिसने मारा, आप
मासूम, उन्होंने कहा तुमने उसके कपड़े उसके आंचल पे हाथ कैसे लगाया, ये हिंदू औरत की इज्जत की बात कर रहे हो उनके। तो फिर इंडिया के साथ सुलूक भी देख लें अमेरिका का, मोदी जाता है तो सर कैसा करके सीना तान के चलता है, और हमारे जाते हैं तो सर झुका के गुलामों के गुलाम बनकर जाते हैं। क्या आफिया के लिए नहीं कर सकते थे कि तुमने कैसे उसको पढ़ा ना करके कलामे पाक उसके कदमों पे डाला, कलामे पाक के वो राख डाले और कहा इनके ऊपर से चलो वरना तुम्हें कपड़े नहीं देंगे। अदालत में पेशी से पहले ये हर मीडिया चैनल पे चली थी न्यूज, ये हर जगह ये आया, लेकिन पाकिस्तान के सरबराहान ने क्या किया? आफिया ने अदालत में खुद ये कहा कि इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, और ये जज रिचर्ड बर्मन के हुक्म के ऊपर किया जो उसने कहा कि यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल किया जाए। तो जज के सामने उसने ये कहा कि आपने ये किया, उसने अपना नकाब उतार के अपने दांत दिखाए, अपना मुंह दिखाए, अपने हाथ दिखाए, जख्मों से लहू लहान के इतना मारा है कि तुम चलो कलामे पाक के ऊपर। उसने वही अदालत में ये कहा कि मैं कैसे चलूं, मैं ये कलाम मेरे अल्लाह का कलाम है और ये मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरा था, मैं कैसे चल दूं अपने आका के सीने के ऊपर, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ये क्या है? और उसने सवाल किया था, उसने सवाल किया था कि क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है, क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है कि वो ये तो रुकवा दे मेरी रिहाई, तो बहुत दूर की बात है। कोई है? कोई बोला? कोई उठा? मेरे भाइयों आप सब यहाँ हैं, मैं पूछती हूँ, नामों से रिसालत पर हम नारे लगाते हैं, लेकिन हमने क्या हक अदा कर दिया है? हम आफिया के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन क्या आफिया रिहा हो गई है? किसी ने जान देकर अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया, तो किसी ने जिंदान में बंद होकर जुल्म व सितम सहे। ये हैं जिनके दम से इस्लाम जिंदा है, जिनके दम से ईमान जिंदा है। हम आजाद हैं कहने को, लेकिन हम मेरे ख्याल से हम जिंदान में हैं। वो आजाद है, उसकी रूह आजाद है, वो अपने अंधेरी काल कोठरी में होती है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आप खबरें सुनते हैं कि आफिया ने मर्सी पिटीशन साइन कर दी है। आफिया ने कोई मर्सी पिटीशन नहीं साइन की है, ये झूठ है। मर्सी पिटीशन का मतलब ये होता है, खुदा का वास्ता मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जुर्म किया है, मुझे एक सेकंड चांस दे दीजिए। आफिया ने कभी वाले जुर्म नहीं किया है, और ना उसके किसी फैमिली मेंबर ने किया है, ना उसके तवस्सुत से उसके किसी वकील ने किया है। आफिया ने जो पिटीशन साइन की है वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन है। उसको ये कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप मेरे केस को रिव्यू करें और उसको और खारिज कर दें मुकदमे को। तो ये जरा सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रही थी। दूसरी चीज ये कि हमारी, देखें मेरे भाइयों, कोई मर जाता है ना जब दुनिया से रुखसत होता है कुछ दिन के बाद, एक कुदरती चीज है, सब्र आ जाता है। लेकिन जब कोई खोया हुआ होता है या किसी अपने प्यारे से आप रابطे में नहीं आ सकते और आपको ये पता है कि वो बुरे हाल में है, तो रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं, इसका सब्र नहीं होता। मौत मौत पुकारते हैं और मौत नहीं होती। रोज़ रात को मरते हैं और रोज़ सुबह को जीते हैं। हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता दिल पे क्या गुजरती है। कोई
पूछता भी नहीं कि क्या गुजर रही है। लेकिन मेरे भाइयों, पिछले साढ़े तीन साल 3.5 ईयर से हमने आफिया की आवाज भी नहीं सुनी है। मेरे भाई रोज जाते हैं, हर त्योहार पे जाते हैं कि त्योहारों की वो लोग बहुत वो करते हैं कदर, चाहे क्रिसमस हो, चाहे थैंक्सगिविंग हो, चाहे ईद हो, ईद उल फितर हो, बाहर बैठे रहते हैं जेल के, लेकिन मिलने नहीं देते। हम फोन पे बात करना चाहते हैं, हमें फोन पे बात नहीं कराते, हमें वीडियो कॉल नहीं कराते, जो कि हर कैदी का अमरीकी कानून के हिसाब से हक है। 3.5 साल से हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, मगर वो अल्लाह है, अपने कारनामे हैं उसके, वो किस वक्त किसके साथ क्या करता है। फोन आता है हमारी अम्मी के पास और एक आदमी अंग्रेजी में बात करता है, अम्मी ने मुझे दिया कि फौजिया ये क्या बात कर रहा है, आफिया का नाम ले रहा है, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, जेल से बोल रहा है। तो उसने ये कहा कि मैं जेल का एक सिपाही हूँ। आफिया एक ख्वातीन की जेल में है, जा रहे हैं सारे ख्वातीन वो होते हैं, रात को पहरे के लिए मर्द बाहर खड़े होते हैं, अंधेरी काल कोठरी में कैद तन्हाई में है। तो उस अंधेरी काल कोठरी में उसने कहा कि रोज़ाना रोशनी हो जाती, तो वो फीमेल गार्ड्स बाहर आई कि पता नहीं ये मुसलमान कहाँ से टॉर्च ले आई है अंधेरे में, इसके हमने पूरी इसकी सर्च कर लिया है लेकिन कुछ नहीं लाइट मिलती, लेकिन देखो रोज रात को उसकी काल कोठरी रोशन होती है, ऐसी ब्राइट लाइट होती है कि हम। तो इसने कहा कि अपने दोस्त से कहा, दोनों ने कहा कि यार आज चलते हैं, आज इस मुसलमान की ये लाइट निकाल के ही छोड़ते हैं। तो आपको पता है ये गए, अब वो जो स्पेशल हाउसिंग यूनिट कार्सवेल, FMC कार्सवेल में है, वो एक छोटा सा 6x4 का कमरा है, उसी के अंदर एक छोटा सा बंक है और वहीं पे WC है और वहीं पे एक हाथ धोने का वो है, बस कुल ये सब कुछ है। एक छोटा सा, अच्छा रोशनदान भी नहीं है, एक छोटा सा वो है जिस तरह कुत्तों को, उनको आपने उसमें देखा होगा ना, यूँ नीचे से यूँ करके अछूतों को खाना डाल देते हैं ना, एक छोटा सा ये होता है और इतने छोटे छोटे सलाखें होती है ना, छोटा सा ये है स्पेशल हाउसिंग यूनिट FMC कार्सवेल का, जिसमें आफिया को बंद किया हुआ है। तो उसमें उसको बंद किया हुआ, तो उसमें से रोशनी आती और इतनी तेज रोशनी के पूरे आसपास का भी सब रोशन हो जाता। उसने जब दरवाजा खोला तो क्या मंजर देखा, ये मंजर वो बताता है, जिससे कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि हाँ मेरी बहन आफिया जिंदा है, चूंकि ये उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और वो मंजर ये था कि वो बैठी हुई थी, उसके हाथ में किताब थी और ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट आ रही थी छत में से, और उस किताब में से वो सारे में फैल रही थी, और वो उसने कहा था गाना गा रही थी, वो तिलावत कर रही थी। ये है कहती है सौ जबान से कुरान की खामोशी, यारे बजाते पाक की सच्ची किताब हो, मुझ में भरे जहाँ के उलूम व फ़नून है, कुरान मेरा नाम है उम्मुल किताब हूँ। और उसने कहा कि मैं ईमान ले आया हूँ, एंड आई एम नाउ अ मुस्लिम, बट आई बिलीव इन द अल्लाह दैट आफिया वर्शिप्स। आई एम सॉरी टू से आई कैन नॉट बी कॉल्ड अ मुस्लिम, दैट यू पीपल आर साइलेंट फॉर आफिया सिद्दीकी। उसने कहा मैं मुसलमान हो गया, लेकिन मैं अपने आप को मुसलमान नहीं कहूँगा, चूंकि तुम मुसलमान जो है वो इतने बेगैरत हैं कि वो मुसलमान कहने के काबिल नहीं। मैं उस अल्लाह पे ईमान लाया हूँ जिसकी आप ये इबादत करती है, आप पता नहीं किस अल्लाह को जानते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे सुना। मैं आप